वाराणसी चौबेपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। मौनी अमावस्या के महापर्व पर लाखों लोगों ने लगाए आस्था की डुबकी। बलुआ घाट वाल्मीकि कुंड पर मां गंगा के पश्चिम वहिनी स्नान का विशेष महत्व। चौबेपुर क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित वाल्मीकि कुंड पर स्नान का विशेष महत्व है। जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि महर्षि भागीरथ मां गंगा को लेकर जब पृथ्वी पर चले तो वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हुए वाराणसी के बलुआ घाट पहुँचे तो उनसे महर्षि वाल्मीकि ने निवेदन किया और उनके निवेदन को स्वीकारते हुए महर्षि भागीरथ मां गंगा को वाल्मीकि कुंड ले गए। वहीं मां गंगा का बहाव पश्चिम की तरफ हुआ और तभी से पश्चिम वहिनी का महत्व हो गया। पश्चिम वहिनी का क्षेत्र 5 किलोमीटर की परिधि में आता है। सिरसौल, बलुआ घाट, पुरनापुर घाट, गौरा व परवार, मणिपुर, चंद्रावती घाट तक पश्चिम वहिनी का स्नान होता है। पश्चिम वहिनी स्नान का एक अपना महत्व है क्योंकि यहां पर मां गंगा का बहाव पश्चिम की तरफ है, इसलिए यहां मौनी अमावस्या के पर्व पर पश्चिम वहिनी मेले का आयोजन भी होता है। पूर्वांचल के लगभग 15 से 16 जिलों के लोग, जिसमें गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और बलिया आदि जगहों से लोग आकर पश्चिम वहिनी क्षेत्र में आस्था का स्नान किया। आज पश्चिम वहिनी मेले में शासन प्रशासन ने ब्रैकेटिंग की व्यवस्था की और बलुआ घाट को भगतुआ चौराहे से ही बंद कर दिया। क्या क्योंकि मेले में अधिक भीड़ होने की वजह से लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए महिला पुलिस बल कांस्टेबल सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। वहीं पर प्रशिक्षु पीपीएस आस्था जायसवाल ने कहा, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी को निर्देश दिया गया है कि मेले में सभी लोग मस्ती से लगे रहे। वही सैदपुर के रामकरण सेतु पर बड़े वाहनों को रोक दिया गया ताकि कोई समस्या न हो सके।